जय हिंद, वंदे मातरम। किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको लहसुन मंडी ताज़ा भाव से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। तो आज हम जाने वाले देश की बड़ी मंडियों में लहसुन के क्या ताज़ा भाव चल रहे हैं और आपको लहसुन का इस बार पैदावार कैसा होने वाला है, पिछली साल के बाजार कैसा भाव रह सकता है, अभी क्या मंडियों का रेट चल रहा है, सभी देश की बड़ी मंडियों के मैं रेट भी बताने वाला हूँ आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप अपने लहसुन अच्छे दामों पर आने वाले दिनों के अंदर बेचना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसमें जाकर के विजिट भी कर सकते हो। किसानों में चर्चा है, वहाँ पर जाकर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपके पास कितना लहसुन रखा हुआ है, कितना लहसुन की पैदावार हो सकती है और आप कितनी रेट तक आप उसको बेच दोगे, जिससे आपको व्यापार लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको अच्छा खासा दाम भी मिल जाएगा। तो बिना वक्त को देख लेते हैं आज देश की बड़ी मंडियों के क्या ताज़ा भाव चल रहे हैं। अकलूज मंडी की हम बात करें तो अकलूज मंडी में आपका जो भाव रहा है वो 6,500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है आपके महाराष्ट्र की बड़ी मंडी के अंदर। वहीं कामठी के अंदर आपका जो भाव है वही 10,000 रुपये देखने को मिला है। चंद्रपुर गंजवाड़ के अंदर 9,000 रुपये, नासिक की बात करें तो 8,750, पुणे के अंदर 10,000 रुपये, राहता के अंदर आपका जो भाव रहा है वो है 5,200 रुपये और सांगली पहली के अंदर 7,000 रुपये, श्रीरामपुर में आपका 4,500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। वही हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडी की बात करें तो होशंगाबाद के अंदर आपका 6,200 रुपये, जौरा के अंदर 5,500 रुपये, कुक्सी के अंदर 6,500 रुपये, पिपलिया के अंदर आपका 8,700 रुपये, टांडला के अंदर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। वही आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो अचलाना के अंदर आपका भाव 7,600 रुपये, अनंतनगर के अंदर 7,660 रुपये और गंगोह के अंदर 7,500 रुपये, कारवी में 7,020 रुपये, मिर्जापुर के अंदर आपका 7,600 रुपये, प्रतापगढ़ के अंदर 7,525 रुपये, तिमकुनी रोड के अंदर आपका 5,600 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। वही हम पंजाब की बात करें तो आदमपुर में 7,000 रुपये, अमृतसर के अंदर आपका भाव है 7,400 रुपये, बरनाला के अंदर आपका 6,000 रुपये और चमकुर साहिब के अंदर 7,500 रुपये, दीनानगर के अंदर आपका 9,000 रुपये, फरीदकोट के अंदर 8,000 रुपये, फजिलका के अंदर 6,000 रुपये, गुरदासपुर के अंदर आपका जो भाव देखने को मिला है वो है आपका 8,000 रुपये, जालंधर के अंदर 5,200 रुपये, लुधियाना में 6,500 रुपये, मलकोटला के अंदर आपका 6,500 रुपये, मोगा के अंदर 7,000 रुपये, नाभा के अंदर 8,000 रुपये, नवांशहर के अंदर 7,000 रुपये, पतरान के अंदर आपका 7,000 रुपये, पाटी के अंदर 8,000 रुपये, फगवाड़ा के अंदर आपका 5,600 रुपये, रोपार में आपका 6,000 रुपये और समराला के अंदर आपका 10,000 रुपये, टांडला उर्मूर के अंदर 9,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। वही हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बालोतर मंडी में 1,750 रुपये, चूरू में 2,500 रुपये, जयपुर के अंदर आपका 3,500 रुपये, जालौर के अंदर आपका 3,500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला। वही जोधपुर में आपका 3,000 रुपये, नवलगढ़ के अंदर आपका 2,010 रुपये, प्रतापगढ़ के अंदर 3,700, सांगरिया मंडी में 1,900 रुपये, सूरतगढ़ के अंदर 3,000 रुपये और उदयपुर के अंदर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। वही हम बात करें आपका उत्तर प्रदेश की मंडी की तो उत्तर प्रदेश के आपके आपको मैंने बता दिया है, बाकी आपको किस मंडी का भाव जानना है वही आप चैनल पर आपके डिस्क्रिप्शन में जाकर के या कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हो कि आपके पास में कितना रखा हुआ है आप और कौन से मंडी के भाव जानना चाहते हो। जय जवान।